तो भाई साहब ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए गुजरते हुए हम पहुंचे हैं ऐसी जगह जहां का नज़ारा ना भाई साहब आप खुद देखो। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पास। रखो भाई रखो सामान रखो फटाफट हटना मम्मी बैग आगे जाएगा ये देखो पूरा फुल हो गया। सो फाइनली गाइस रोड ट्रिप की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ हम जस्ट नाउ निकल रहे हैं। टाइम हुआ है कितने हुए 11:30 हो चुके हैं और निकल रहे हैं हम कहाँ पर रास्ते में बताएंगे। वैसे देखिए कितना सारा सामान हमने जिमनी में लोड कर लिया है। इधर भी लोड है और इधर ये देखिए यहाँ पर नीचे भी है। एक्चुअली हमारा जो रॉकी है ना कहाँ गया भैया छोटू अरे छोटू चलो 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 आ जाओ हम जा रहे हैं आ जाओ ये आ गए भाई रॉकी भैया तो ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। मस्त मज़ा आने वाला है। दिव्या है मैं हूँ और रॉकी होगा बाकी डोरीमोन और मम्मी नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई इसका कॉलेज है और मम्मी को दुकान संभाल ली है। तो अभी क्या है कि हम दोनों जा रहे हैं बाकी फिर कभी मम्मी को लेके जाएंगे फिर कभी इसको लेके जाएंगे। ये रॉकी ट्रिप पे जाएगा ये देखो रॉकी ऐसे बैठ जाएगा आराम से पीछे राजा की तरह। ओह दूसरे कुत्तों पे भौंक रहा है देखो गली में कुत्ते हैं ना भी बैठ जा भाई बैठ जा आराम से बैठ जा यहाँ पे देखते रहे। तकिया भी लगा दिया बॉल भी लगा दी हमने बॉल भी लिया है। ये जय माता दी हर हर महादेव। अरे अरे रुक जा आ रही आ रही आ रही आ रही आ गई आ गई बच 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 पीछे बैठ के एक बार ये सामान उठा लो थोड़ा सा ठीक है हैं। किसने फेंकी है कंगी नहीं है तकिया है बॉल है ये आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। आज ये पहले रोड ट्रिप पे जा रहा है लंबे तो पहली जिमनी का रोड ट्रिप है भाई सबसे लंबा और रॉकी का भी। चलो मम्मी बाय बाय कुत्ते जी को थोड़ा कुछ कह रही है कुत्तों को देख के भौंक रहा है। चल तू आ जा अच्छा मेरे पास आ जा। सो गाइस निकल चुके हैं रोड पर। जी हाँ अब मजा आने वाला है। बेसिकली हम निकल रहे हैं कहाँ निकल रहे भाई बहुत सारे सरप्राइज है हाँ जस्ट थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ से सबसे पहले हम पहुँचेंगे मुकरवा चौक जहाँ पर कि दो लोग ज्वाइन करने वाले हैं और किस चीज़ पे ज्वाइन करेंगे वो जस्ट थोड़ी देर में बताते हैं मतलब थोड़े थोड़े सरप्राइजेस रखेंगे जैसे जैसे रिवील करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये देखो भाई साहब यहाँ पे तगड़ा जाम लगा हुआ है पीरागढ़ी पे और अभी मेरे पास बाइक होती ना घूम घाम के इधर उधर से निकल के कट मार के निकल जाता लेकिन गाड़ी है ना भाई गाड़ी नहीं निकल सकती। अब ऐसे ही लगाओ और पूरे वीडियो बनती रहेगी मस्त। मैं आपको तब वही चीज तो कहती थी कि आप जैसे अकेले हो तो इस तरह से कर लो मैं साथ में तो मैं पकड़ भी अब तो वो भी नहीं आ रहा ना शायद साइड वाला कुछ आ रहा है। हाँ ये आ रहा है हल्का सा। अच्छा वो नहीं इसका ये कुछ है वो आ रहा है अभी देख लेंगे अभी तो चलने तो ठीक है उसकी भी सेटिंग करेंगे। ये देखो ये नेक्सॉन वाले हैं और ये कैसे ना ड्रिफ्ट मार रहे हैं यहाँ पे रोड पे भाई साहब अभी इतनी गंदी मारी है ड्रिफ्ट लगते लगते बची है। ये हैं बंदे देखना अभी शायद करेंगे दोबारा हम नहीं जा रहा है। अरे भाई साहब अरे भाई साहब ये देखो एक और इसका भाई मिल गया भाई। ओ नहीं 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 लड़ना नहीं है नो 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 रॉकी देखो वैसे शेर बनता है ये तो भाई ये देखो दो भाई लोगों ने और ज्वाइन किया है लेकिन ज्वाइन किया है किसमें बाइक पे तो इनको तो आप जानते ही होंगे ये है हमारे मुकेश भाई जिनको कि मैं बोलता हूँ क्या मुकुल भाई तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ क्या नाम है वरुण वरुण ओके नाइस टू मीट यू और मजा आएगा है ना।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अम्बाला सिटी और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, हल्का हल्का जो आसमान है ना वो पर्पल लग रहा है मुझे और बादल छाए हुए हैं, मतलब जबरदस्त वाला मौसम बना हुआ है कि बारिश आएगी और बीच में हमें बारिश मिली भी। हरियाणा अम्बाला का बोर्ड आ चुका है, ये देखो 5:45 हो गए हैं और हमने कवर कर लिए हैं 212 किलोमीटर। ये देखो भाई साहब ढेर झमाझम बारिश शुरू हो गई है, पूरी और तेज हो गई। हाँ, ये मुझे नहीं लगता आज बैरागढ़ पहुँचेंगे हम। तो चलो हम डेस्टिनेशन रिवील कर ही देते हैं, हम जा रहे हैं जी सच पास किला किश्तवाड़ होते हुए, बिल्कुल ही ऑफ बीट डेस्टिनेशन है तो वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियोज़ और सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा और मानसून में ही निकल रहे हैं तो भाई होप्स हो कि जो पहाड़ है ना वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। क्या झमाझम बारिश हो रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि रोड के ऊपर भी ना पानी भर गया है, विजिबिलिटी बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो। तो फाइनली हमारे धुरंधरों का आगमन हो चुका है। जी हाँ, पूरे 3 घंटे लेट हैं तो हम 3 घंटे से वेट कर रहे थे। एक्चुअली गाड़ी तो चलती रहती है लेकिन बाइक ना भाई धीरे धीरे चल रही थी और भाई को नींद भी आ रही थी और मैंने पिछली बार बोला था भाई देखो अगर चलना हो तो नींद की गोली या फिर सो के आना। भाई एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती नहीं यार, बारिश भी बहुत तेज थी और ऐसी कंडीशंस में रोड ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो मैंने इनको बोल दिया था भाई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आना, आराम से आना। इनकी आ गई है भैया चाय और टोस्ट, हमने पराठे पहले ही पेल मार रहे हैं क्योंकि बैठे बैठे क्या करते, करना था कुछ काम। आगे क्या था? हाँ शुरू करो अंताक्षरी। हाँ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम। वैसे यार ट्रिप की शुरुआत बहुत तगड़ी हुई है। खैर गाड़ी में तो कुछ खास एडवेंचर लगा नहीं क्योंकि भाई साहब गाड़ी में बैठो आराम से शाही की तरह बस निकलते रहो। पंजाब और पंजाब में गुरुद्वारे नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे। चलो लॉर्ड अल्टो। रोकी भैया जूस पीना है क्या हैं? अरे भाई वो तो उधर चला गया देखो कैसे। तो भाई हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा जूस वूस पी लेते हैं क्योंकि प्यास लग रही थी और थोड़ी सी एनर्जी भी लो लग रही थी। बना दो भैया 2 ग्लास बना दो, एक पाइनएप्पल का बना देना एक मौसमी का। ये देखो यहाँ पर रोड पे ना बहुत सारे ट्रैक्टर बेच रहे हैं लोग, सी छोटे छोटे ट्रैक्टर है। खैर खरीद नहीं सकते हम अभी क्योंकि वापसी में देखेंगे, वापसी में देखेंगे अगर हुआ तो। ये देखो HMT का भी है, HMT कितने कितने की अभी है ये? 350 का ये वाला भाई वाला है। इसके साथ ट्रॉली भी तो आती है। ट्रॉली भी है। अच्छा ट्रॉली भी है, ट्रॉली संग है सबके साथ। अच्छा तो ये खींचने से चलता है कैसे चलता है? खींचने से चलता है। अच्छा इसके ऊपर खड़े हो जाओ। अच्छा खड़े में और ये ट्रक ये 400 रुपये का है। 400? अच्छा वो रॉकी और आगे आ गया देखो। रॉकी पीछे था आगे आ गया। गाड़ी खैर हमने चालू छोड़ रखी है, गाड़ी में एसी चल रहा है, एसी चल रहा है लेकिन चलो इसको मैं बाहर ले लूँ। बाहर ले रहे हो? हाँ आजा बाहर आजा। वो दिए पकड़ आ गया खत्म। रॉकी भाई तुम आगे कैसे आ गए ये बताओ, तुम पहले तुम्हारी दाढ़ी काट दे हम हैं, तुम्हारी दाढ़ी काट दे। तुम ले रहे हो पहले, उसको छोड़ देते ना मौसमी का ना ये तो। हाँ
हाँ चलो मैं पी लेता हूँ। चीयर्स करो। चीयर्स। जूस वूस पी लिया और अब मस्त तरीके से भागेंगे हम। हम आ गए मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। अब हमने लगा लिया है कैमरा अपने सर पे। तो अब देखते हैं कैसे थोड़ी थोड़ी दूर पे देखो फ्रेश जूस वाले बैठे हुए हैं। ये देखो आवाज़ देख रहे हो ना भाई साहब, जब तक बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक ये 90 सेकंड तक बेल्ट बजती रहेगी। पीछे वाली भी कोई सेंसर वेंसर नहीं दे रखा। ये मारुति की ना एक बहुत बड़ी कमी है। अब कर सकते हैं हम बातें। ओ पाजी किथे जा रहे हो पीबी वाली हो? नीली पगड़ी और पर्पल पगड़ी। तो हमारे को पायलट बता रहे कि हमें बैरमगढ़ के लिए 342 किलोमीटर जाना। भैरागढ़ नहीं है, बैरागढ़ है वो। वैसे पहुंच सकते हैं, पहुंचने को तो अगर खींचा जाए तो। इतनी बड़ी शिव भगवान की मूर्ति है, सुंदर भी बनाई हुई है, देखो कितनी है ना, अच्छी बनी हुई है। तो यार 20-25 मिनट सो लिया मैं गाड़ी खड़ी करके एसी चला के। यार नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी मुझे भी, तो अब ठीक लग रहा है। फटाफट मैंने पानी से मुंह धोया और फिर बढ़ चुके हैं आगे। बाकी यार ये देखिए कुछ नज़ारा ऐसा है, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, हल्के हल्के बादल हैं। चल भाई चल, थार आ गई, थार थार। बहुत ही खतरनाक वाला बोर हो गया यार मैं तो। सुबह का मौसम अच्छा था, फ्रेशनेस सी भी लग रही थी, कभी बारिश आ रही थी, कभी धूप थी, कभी कुछ कभी कुछ, तो रोड पे मन लगा हुआ था। अब तो क्या हो रहा, नींद आ जाती है हर थोड़ी देर में। जलंधर वालियो, जलंधर पहुंच गए हम। नहीं कहाँ पहुंचे अभी, इधर देखो लाल किला, लाल किला, लाल किला। नेक्स्ट लेफ्ट टुवर्ड नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 44, देन मेक अ यू टर्न। हाँ ठीक है ठीक है, पहले पेट्रोल भरवा लें, खत्म हो गया भाई। 150 meters, turn left. तो नेशनल हाईवे से हमें थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ा पेट्रोल के लिए। और ये आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। हो उधर से पेट्रोल पेट्रोल। कौन सी जगह भी है ये, कौन सी जगह है? जलंधर। नॉर्मल नॉर्मल। एक गड्डी का नाम है जिमनी। हाँ ये 1780 की पड़ी हमें, 1780 मतलब 18 की पड़ गई। सही लग रही है ना अपनी जिमनी, जुगनू जुगनू। सो गाइस यहाँ पे हमने भरवाया भैया 32 लीटर 35 पॉइंट पूरा पेट्रोल आया, और ये पड़ा हमें 3170 रुपये हमें देने पड़े 1391 किलोमीटर ओडो पर। तो अब यहाँ से बिल्कुल टैंक टू टैंक हम ना जो एवरेज है अब वो नापेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से हमें लेना है राइट पठानकोट की तरफ, और पठानकोट होते हुए ही हम चंबा या फिर पहुँचेंगे बैरागढ़। भाई साहब गर्मी ने तेल निकाल दिया, हालांकि एसी के अंदर बैठे हुए हैं, और हम पहुँचे एक ऐसी जगह जिसका नाम मुझे पता नहीं है। बेसिकली यहाँ से पठानकोट मेरे ख्याल से लगता है कि 60-70 किलोमीटर है, और ये कोई ब्लैक कलर का रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया। तो यहाँ पर हम रुक गए लंच करने के लिए। टाइम हो चुका है 2 या 2:30 बजे, और नाम है सॉफ्ट रेस्टोरेंट। फटाफट लंच करते हैं और फिर निकलते हैं, और बताता हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया है। पाजी दो थाली कर दो। कौन से वाली करनी है भाई? नॉर्मल वाली, 250 वाली है ना शायद, हाँ वही कर दो। रेस्टोरेंट तो अच्छा बना रखा है यार, ये देखो भाई बढ़िया रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, मस्त मज़ा आ गया देख के। चल भाई अब रोटी खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है, बाहर जब भी जाता है ये ऐसा ही करता है। जब तक उसके साथ में नहीं बैठो ना, इसे रोटी नहीं खाई जाती। हाँ बिल्कुल, इसके पास बैठना पड़ता है तब जाके ये रोटी वगैरह खाता है। गाइज तो ये आ गई हमारी स्पेशल डीलक्स थाली, जिसमें की है रोटी, प्याज, शाही पनीर, दाल मखनी है मेरे ख्याल से, और ये है शायद दही, रायता लग रहा है ये प्याज वाला। लो भाई स्टार्ट करो। अपने खा ली? नहीं अभी कहाँ खाया, अभी स्टार्ट करेंगे ना। बताओ कैसा है? सही है तो भाई अभी बज गए हैं 5:20, और अभी भी यहाँ से कितना दिखा रहा है, 209 किलोमीटर है बैरागढ़। आपकी यात्रा मंगलमय हो। कटरा यहाँ से 168 है, अमृतसर 133। रास्ते देख रहे हो भाई बिल्कुल मक्खन बने हुए, मतलब आप इनके पे भगाए जाओ भगाए जाओ। वैसे ये जो गाड़ी है ना भगाने के लिए बनी नहीं है,
ये पहाड़ों पे चलने के लिए बनी हुई है, ऑफ रोडिंग करने के लिए बनी हुई है। सोचो के फूलों का शहर हो, पुलिस वालों पंगा नहीं लेने का, कैमरा चालू है हमारे। दिस इज ब्यूटीफुल रोड गाइस। ओ भाई साहब ये देखो उल्टा लेके आ रहा है, उल्टा, और इस साइड मेरे राइट हैंड साइड पे ट्रक था। ये देखो यार कितना सुंदर रास्ता है इस टाइम, देख रहे हो भाई साहब, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, और ये वाले पेड़ देखो बिल्कुल रोड के ऊपर आए हुए हैं आधे। तो पहाड़ आ गए भाई, पहाड़ आ गए, ये देखो सामने पहाड़ आ गए, क्या बात है, मजा आने वाला है। बहुत बड़ा देख रहे हो सामने लगा हुआ है, डलहौजी पब्लिक स्कूल बढ़ानी। तो ये जो रास्ता है सीधा डलहौजी भी जाता है, धार जाता है, डलहौजी जाता है, चंबा जाता है। तो आज हम चंबा ही रुकने वाले हैं, या फिर चंबा से जस्ट थोड़ा सा पहले। और अब जबरदस्त जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है। अगली पगली क्या है ये, अगली पगली क्यों पगली मेरे पगले, यहाँ से शायद ले सकते हैं, लेकिन भाई ऐसी जगह भी चाहिए ना जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाए, हो तो सकती है, हाँ हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से ले सकते हैं ड्रोन शॉट, देख सकते हैं। तो भाई ये स्पॉट मुझे बहुत बढ़िया लगा एक्चुअली, यहाँ पर जो ग्रीनरी देखने को मिली ना भाई बहुत ही अमेजिंग है। और एक ड्रोन शॉट लिया है, और ये देखो रॉकी कैसे कर रहा भाई, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। बाकी यार जो ड्रोन शॉट आया ना बहुत ही कदल आया है, दोनों तरफ पैडी फील्ड्स थे, मतलब कि एक तो पहाड़ के नीचे था एक ऊपर था। चलो चेकआउट करिए आप ड्रोन शॉट, तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रॉस कर रहे हैं दुनेरा, और दुनेरा की मार्केट ना आम पापड़ के लिए काफी फेमस लग रही है मुझे। हाँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े आम पापड़ के ना रोल रखे हुए। हाँ। भाई साहब क्या बवाल रास्ता है इस टाइम, पूरा कीचड़ भरा है अब तो। ओ भाई 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 ऐसा लग रहा है बह के आया हुआ पूरा का पूरा। तो दोस्तों नहा धो के हम हो गए हैं फ्रेश, और अब टाइम हो चुका है डिनर का। जी हाँ, डिनर करते हैं, और डिनर में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हमने मंगाया है। सिंपल सा आज का खाना होगा हमारा, हमने मंगाया है एक सलाद है, एक ये कौन सी सब्जी है, मिक्स वेज है, और रोटी है। बाकी इसने अपना जो डिनर है वो निपटा ही लिया है। क्या खाया इसने रोटी और अपनी वो चीज गरम खा लो अभी। और आज का जो व्लॉग है दोस्तों, व्लॉग को लाइक शेयर जरूर करना। वैसे तो आज के व्लॉग में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हमने ड्रोन शॉट अच्छे अच्छे लिए, वो आपने देखे ही। तो आज का व्लॉग करना, सब्सक्राइब करना। हाँ जी बिल्कुल, तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक केयर। कैसा था, कितने में मिला ये सब डिटेल, हाँ वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। और जो यहाँ से नजारा है ना बाहर का, भाई साहब एक नंबर है। तो सुबह मतलब कि अगले व्लॉग में आप जरूर देखना कि भाई कैसा व्यू देखने को मिलने वाला है, जो भी लेंगे वो आपको सब कुछ मजा आएगा। तो अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।